हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 विनेलेटर इमुलेटर गेम्स एंड्रॉइड हाई ग्राफिक्स। ये सभी गेम के ग्राफिक्स अच्छे मिलते हैं और ये स्नैपड्रैगन 778 और आपके 8GB रैम में 3525 FPS पे वर्क हो जाते हैं। इसमें से आपको एक जॉम्बी शूटिंग टाइप गेम मिलने वाला है, एक आपको आर्मी टाइप गेम मिलने वाला है, एक आपको हैक एंड स्लैश टाइप मिलने वाला है और एक आपको पजल सॉल्विंग गेम, एक एनिमे टाइप आपको गेम मिलने वाला है। किसी गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चले हम टॉपिक पे बढ़ते और देखते हैं कि कौन से ये टॉप 5 विनेलेटर इमुलेटर गेम है। नंबर 5 पे जो गेम है वो है लेफ्ट फॉर डेड। साइजेस की 1GB है, स्नैपड्रैगन 778 और 8GB रैम में यह आपका 2513 FPS पे वर्क हो जाता है। इसमें जॉम्बी होते हैं, उनको आपको किल करना है, सर्वाइव करके खुद को जिंदा रखना है। ये वर्ल्ड वॉर जी का छोटा वर्जन कह सकते हैं आप। वर्ल्ड वॉर जी बड़ा आपको एक गेम मिलता है जिसमें बहुत सारे जॉम्बी होते हैं, आते उनको आपको मारते हो, मल्टीप्लेयर ऑफलाइन भी आप खेल सकते हो। वैसा ही आपको लेफ्ट फॉर डेड गेम मिलता है, इसमें 4-4, 5-6 बंदे होते हैं और उनको सर्वाइव करके खुद को जिंदा रखना पड़ता है। जहां जॉम्बी मिलता है वहां उनको गोली मार के मार देना है और आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें इस गेम के अंदर मिलती है। आपको एक एरिया मिलता है, उस एरिया में ही वो सर्वाइव करके आपको जिंदा रखना है खुद को। इसको आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो और ऑफलाइन सिंगल प्लेयर, 4 जो ऑफलाइन दोस्त होते हैं उनके साथ आप खेल सकते हो, लेकिन मल्टीप्लेयर में आपको मज़ा आने वाला है, उसमें हंसी मजाक हो जाती है दोस्तों के साथ। तो इस गेम को मल्टीप्लेयर जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 4 पे जो गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2। साइजेस की 10GB है। हाँ, ये ओरिजिनल है, ये 2009 का गेम है, ये रिमेक वाला रिमास्टर वाला नहीं है। 2022 का कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 वो बहुत अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स का गेम है, लेकिन ये ओरिजिनल गेम है। इसमें थोड़ा सा ग्रेडेशन ब्लैक स्टाइलिश टाइप में कलर टोन में ये गेम मिलता है और गेम के ग्राफिक्स भी बढ़िया है। इसमें आपको टेररिस्ट मिलेंगे, उनके साथ आपको फाइट करनी है। तो स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है गेम की, गेम में आपको स्टोरी लाइन में कमी नहीं मिलेगी। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2009 का ओरिजिनल गेम मास्टरपीस है, इस गेम को आपको जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। इस गेम भी गेम काफ़ी पॉपुलर है और यदि आपका स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर है और 8GB रैम है तो आपका ये गेम 15-10 FPS पे चल जाएगा। यदि ज़्यादा तोड़फोड़ होती है लेकिन उसमें 10-15 FPS आ जाएंगे, लेकिन स्मूथली गेम वर्क करेगा बाकी सभी चीज़ों में। लेकिन ये इस गेम में ज़्यादा तोड़फोड़ होने वाला ही ये गेम है क्योंकि ये शूटिंग टाइप गेम है, तो इसमें तोड़फोड़ हो ही जाएगी। नंबर 3 पे जो गेम है वो है प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगेटन सैंड। साइजेस की 8GB है। हैक एंड स्लैश विथ, ये पजल सॉल्विंग गेम है और इसमें ऑब्स्टिकल्स को पार करने में आपको दिमाग की भी आवश्यकता लगेगी क्योंकि इसके ऑब्स्टिकल्स भी थोड़े हार्ड है। आपको डिसीजन लेना पड़ता है कहाँ जंप मारनी है, क्या करना है, जिससे वो पजल है वो पार कर सकते हैं, वो ऑब्स्टिकल पार कर सकते हैं जिससे कि आप उस एनिमी के साथ फाइट कर सकते हो। ये लेवल बाय लेवल ऐसे आगे बढ़ता है गेम और गेम आपके स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर 8GB रैम में भी ये गेम आपका 25 FPS में वर्क हो जाता है, 13 FPS में वर्क हो जाता है। लो सेटिंग पे आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। गेम की स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, बॉसेस का अटैक थोड़ा स्लोइंग है, बॉसेस भी अच्छे हैं लेकिन अटैक उनका स्लोइंग है और आपका जो कैरेक्टर है उसका फास्ट अटैक रहता है थोड़ा, तो ये थोड़ा एडवांस्ड रहता है। लेकिन बॉसेस फाइट में आपको इजी ही लगेगा, ये थोड़ा हार्ड गेम नहीं, इजी है। इसका हार्डेस्ट पार्ट है इसका ऑब्स्टिकल, बॉसेस इजी मिलेंगे लेकिन इसका ऑब्स्टिकल हार्ड है, उसमें आप 1-2 बार 5-6 बार मर सकते हो, कहाँ जाना है समझ में नहीं आता, वो देखना भी पड़ता है, कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ती है पार कैसे करें। तो ये है गेम, आपको दिमाग लगाने वाला ये गेम है, तो जरूर ट्राई कीजिए इस गेम को। नंबर 2 पे जो गेम है वो है वन पंच मैन हीरो नोबडी नोज। साइजेस की 8GB है। अब ये साइतामा का गेम है वन पंच मैन, इसमें आपको सारे कैरेक्टर मिलते हैं वन पंच मैन के, सिल्वर फैंग मिलता है, स्पीड सोनिक मिलता है, जितने भी कैरेक्टर है वो सभी कैरेक्टर की एबिलिटी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनोस भी आपको मिलेगा और उनकी एबिलिटी एडवांस एबिलिटी भी रहती है। यदि आप साइतामा चूज करते हो तो वो बाद में आता है, लास्ट में वो धीरे धीरे दौड़ दौड़ के उनका टाइम होता है, उस टाइम को आपको नीचे गिराना नहीं है, जब वो आएगा वो एक ही पंच में सबको मार देगा।
तो ये फायदा है साइतामा का, इसमें साइतामा डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए नहीं मिलता, ये थोड़ी दिक्कत है। बाकी गेम अच्छा है, और यदि आपको टू वर्सेस फाइटिंग टाइप कोई गेम पसंद है एनिमे का तो आप वन पंच मैन खेल सकते हैं। ये ओपन वर्ल्ड भी एक गेम आपको मिलता है, आपको खुद का कैरेक्टर चूज करना है, उसको पावर एबिलिटी देनी है और आपको स्टोरी लाइन के साथ के हिसाब से फाइट करनी है। तो साइतामा बहुत पावरफुल है, वो वन पंच मैन है, एक ही पंच में सबको धूल चुटका देता है, सबको मार देता है। तो जरूर ट्राई कीजिए इस गेम को। और स्नैपड्रैगन 778 8GB में आपका 15-16-20 FPS पे चल जाएगा, थोड़ा स्लो मोशन में गेम चलेगा। और लास्ट गेम नंबर वन पे मेटल गियर राइजिंग रिवेंजर्स, साइज की 25GB। मेटल गियर राइजिंग रिवेंजर्स आपको फ्यूचरिटिक हैक एंड स्लैश गेम मिलने वाला है। इसमें जो स्वॉर्ड होती है फ्यूचरिटिक, उसमें बहुत सारे अटैक रहते और ये पूरा कंप्लीट आपको हैक एंड स्लैश का फील देने वाला ये गेम है। और ये गेम आपको ओपन वर्ल्ड भी मिलता है। हाँ, ग्रेडेशन ब्लैकिश टाइप इसका कलरिंग है, लेकिन गेम बढ़िया है। आपको कोई ट्राई आउट करना है फ्यूचरिस्टिक गेम तो आप हैक एंड स्लैश वाला, तो मेटल गियर राइजिंग रिवेंजर्स ट्राई आउट कर सकते हैं। और ये आपका स्नैपड्रैगन 778 8GB रैम में 15-20 या 25 FPS में लगभग ये गेम चल जाता है लो सेटिंग पे। जहाँ पे ज़्यादा तोड़फोड़ होती है वहाँ पे FPS थोड़े ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिए इस गेम को। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।